नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां सीखते हैं कंप्लीट एमएस ऑटोमेशन। दोस्तों, ये हमारा एमएस वर्ड का एक क्लासेस है, इसलिए एमएस ऑफिस के अंतर्गत हम एमएस वर्ड की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और एमएस वर्ड में हम आज आपके साथ पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में लास्ट क्लास में मैंने आपको फाइल्स के बारे में बता दिया था, किस तरह से हम फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि अगर मान लीजिए कि फॉन्ट, मैं फॉन्ट से स्टार्ट करता हूँ, फॉन्ट एंड पैराग्राफ के बारे में आज डिस्कस करूंगा आपसे मैं। तो फॉन्ट मतलब कि कोई लिखावट अगर चेंज करना है, लिखने का तरीका अगर हमें चेंज करना है, तो फॉन्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर कोई फॉन्ट नहीं है इसमें, तो आप फॉन्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो फिर यहाँ पे फॉन्ट का लिस्ट में आ जाता है। जैसे कि हिंदी का नहीं है, या नेपाली नहीं है, या कन्नड़ नहीं है, ऐसे फॉन्ट भी आप कर सकते हैं। इसमें से कोई पर्टिकुलर पार्ट को अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो हम बोल्ड करते हैं। एक तो बोल्ड से हाईलाइट होता है, या दूसरा उसकी बैकग्राउंड की कलर चेंज करने से होता है। ऐसा इसलिए करते हैं, जब भी कोई इस डॉक्यूमेंट को रीड करे तो सबसे पहले नजर उसी पे जाए, इसलिए उसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्रीमेंट आप लिख रहे हो तो उसके जो पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स को हाईलाइट कर दोगे तो एग्रीमेंट पढ़ने वाला सबसे पहले उस पॉइंट्स को ही पढ़ेगा। वर्ड आपने टेक्स्ट की जो साइज है, और टेक्स्ट की साइज आप यहां से बढ़ा घटा सकते हो, या फिर एग्जैक्ट साइज यहां से। उसी तरीके से आप यहाँ पे अपने लिखने का तरीका जो है वो चेंज कर सकते। ठीक है, स्टाइल वगैरह अलग स्टाइल में आ जाएगा, तो आप अपने रिक्वायरमेंट को अगर इसका चूज कर सकते हो। उसी तरीके से इसका केस को चेंज करना, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, मतलब कि छोटा लेटर, बड़ा कैपिटल लेटर में लिखना था, पूरा कैपिटल लेटर में चला जाएगा। कैपिटल लेटर में अगर आपने लिख दिया है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप स्मॉल लेटर में कर लीजिए, तो लेटर यहाँ से चेंज कर। लेकिन ये उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप खुद भी सीख सकते हैं। बात करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में सबसे पार्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब कि आपका लिखने का तरीका कहाँ से स्टार्ट हो। जैसे कि अगर मैं इस पूरे कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल कहलाता है, अगर मैंने मिडल कर दिया तो बीच से लिखना शुरू करूँ। ठीक है, जब भी आप यहाँ टाइप करेंगे तो बीच से लिखना शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट से लिखना शुरू होगा। तो आपके पास राइट, सेंटर और लेफ्ट अलाइन करना। अब इसका यूज क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है, जैसे कि द वर्ड ट्रेनिंग ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मान लीजिए मैंने इसको मिडल कर दिया, सेंटर किया तो मिडल में आ गया। ऐसे मैं यहाँ पे राइट करूंगा तो राइट में आ जाए। तो इस तरह से मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसमें एक आपके पास आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज क्यों होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें एक चीज देखिए कि यहां से एकदम एकदम सीधा लिखा हुआ है, एकदम थोड़ा छोटा बड़ा नहीं है ना, एकदम सही से अरेंज है। बट इस साइड में देखिए, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो अलग अलग है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिफाई क्या करेगा कि टेक्स्ट को इस तरह से अरेंज करेगा कि दोनों तरफ इक्वल हो। न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते हैं तो दोनों तरफ इक्वल होता है, इसी जस्टिफाई का इस्तेमाल किया जाता है। मैटर को लिखकर उसके बाद जस्टिफाई कर, जस्टिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिंग का। जैसे कि देखिए, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में स्पेस देख रहे हैं, नॉर्मल है, लेकिन इसकी स्पेसिंग को अपने हिसाब से बढ़ा सकते। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ ऐसे फॉन्ट ले लेते हैं जो कि इस तरह से नॉर्मल स्पेसिंग में पढ़ नहीं पढ़ पाते, तो हम स्पेस देना चाहते हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी ने स्पेस दे दिया है
और मैं हटाना है मुझे यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को हटा दीजिए और ठीक है दे स्पेसिंग में। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास इसको बोलते हैं इंडेंट। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया अभी आपको बताया कि मैं सेंटर करूंगा मिडल करूंगा और राइट करूंगा, तीनों जब मैं करता हूं तो क्या होता है कि ये अपने हिसाब से एडजस्ट होता है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा आगे करना है, पूरा सेंटर में नहीं करना, सेंटर और लेफ्ट के बीच की वैल्यू लेनी। तो उस केस में मैं यहाँ से इंडेंट का इस्तेमाल करूँगा, एक एक टैब को अलग करूँगा, तो यहाँ से आप एग्जैक्ट लोकेशन पे अपना कर सकते हो, ठीक है। जाओ अब इंडेंट के बाद यहां देखिए इसको बोलते हैं शॉर्ट। अब शॉर्ट इसमें इस्तेमाल नहीं किया होता है, इसमें आपका शॉर्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, शॉर्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है लिस्ट में होता है। जैसे कि मैंने यहां पे मान लीजिए कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे कि पूजा रवि ऐसे नाम हो। अब इस नाम को मुझे अल्फाबेटिक रखना है, अल्फाबेटिक समझते हैं ना, जैसे आप रिजल्ट देखने जाते हैं तो आपका रिजल्ट चाहे तो रोल नंबर वाइज होता है या नाम वाइज होता है, तो उससे फायदा क्या होता है शॉर्ट से कि मान लीजिए कि अगर कोई अरेंज ना हो तो आपको पूरा लिस्ट देखना पड़ेगा, अगर शॉर्ट अगर नेम वाइज शॉर्ट है तो आपका नेम मान लीजिए अगर मान लीजिए आपका नाम आर से है रवि है तो आर वाली लिस्ट में देख लोगे आप सारा, पूरा देखने की जरूरत नहीं है, तो शॉर्ट इसके लिए इस्तेमाल किया। शॉर्ट में पैराग्राफ और यहाँ पे शॉर्ट बाई पैराग्राफ और मैंने यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट, असेंडिंग में करना है मतलब कि ए टू जेड, कविता मनी नीरज पहले आए क्योंकि के पहले होता है एन बाद में होता है, तो शॉर्टिंग इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्टिंग लिस्ट पे होता है डेटा पे नहीं होता है ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा आपको इसको बोलते हैं शो हाइट पैराग्राफ मार्कर बोलते हैं, इसको जब क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि कहाँ कहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया गया, मतलब कहाँ कहाँ हमने एंटर प्रेस किया, ऐसे लिखते समय इस लाइन को नहीं किया हमने, हम यहाँ पे डॉट लगा के एंटर मारा पैराग्राफ चेंज हुआ, ये पैराग्राफ का सिंबल होता है और ये प्रिंट में नहीं आता है, जस्ट देखने के लिए होता है कहाँ कहाँ पे एंटर लगा, और वापस पे क्लिक करोगे तो हट भी जाएगा। तो अभी हमने डिस्कस किया, हमने अपना अलाइनमेंट डिस्कस किए, हमने स्पेसिंग डिस्कस किया, हमने इंडेंट डिस्कस किया, शॉर्टिंग डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया पैराग्राफ। उसके बाद ये आता है आपका कलर शेडिंग, मतलब कि बैकग्राउंड कलर, तो यहां से मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया। अब बताइए आप ध्यान बताइए कि यहाँ जो कलर था इस कलर में और इस कलर में क्या डिफरेंस, यहाँ जो कलर किए थे हमने इस कलर को किया था, अब यहाँ पे जो कलर किया वो हमने इस कलर को किया, इसमें क्या डिफरेंस है, मैं दोबारा देखिए ध्यान से देखिएगा कि हम दोबारा लगाते हैं, हमने सेलेक्ट किया हमने इस कलर किया, ये क्या करता है कि पूरी लाइन को हाईलाइट करता है ना, पैराग्राफ नहीं करता, पूरी लाइन को हाईलाइट, जैसे आप देखिए कि टेक्स्ट यहीं पे खत्म हो गया फिर भी इस एरिया को इसने हाईलाइट किया होगा, समझ गया, यहां पे टेक्स्ट है वो वही लिया है, और ये जो हम करते हैं हाईलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइटर जो होता है वो तो जितना टेक्स्ट होता है उतना हाईलाइट करता है, टेक्स्ट के अलावा जो रेस्ट ऑफ ब्लैंक स्पेसेस होते हैं उसको हाईलाइट नहीं करता, जैसे कि यहां पे कर दिया यहां पे नहीं, तो ये क्या करता है पूरा लाइन हाईलाइट करता है, चाहे टेक्स्ट लिखा एक ही टेक्स्ट लिखा हो चाहे पूरा लाइन भरा हो उसके हिसाब से हाईलाइट करेगा, समझ गया विदाउट इसमें। अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है यहाँ पे क्या बोलते हैं बुलेट्स का, लेकिन इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, ये फिलहाल सीखिए स्टाइल के बारे में, स्टाइल जैसे कि लिखावट बने बनाए आप यहाँ चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत सारे बने बनाए स्टाइल है वो अपना अप्लाई कर सकते हो, क्विक फॉर्मेटिंग।
जैसे आपको कोई कमेंट लिखना है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बहुत सारे बुक्स के कवर पेज पे देखा होगा इस तरह से लिखा हुआ, तो इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं होता है फॉर्मेटिंग करने में, बना बना फॉर्मेट होता है जो अच्छा लगेगा अप्लाई कर, तो स्टाइल आपका ही होता है। अगर इसमें स्टाइल कोई नहीं है खास और बार बार स्टाइलिश करते हैं, तो आप यहाँ पे क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करेंगे, स्टाइल नाम देंगे, स्टाइल वन जो भी नाम दे रहा है ओके कीजिए, और यहाँ पे आप स्टाइल वन आपको देखिए आ गया, स्टाइल वन आ गया। तो इस तरह से आप ये स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड ढूंढ रहा हूँ, मैं अप्लाई ऐसा वर्ड ढूंढ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फाइन भी क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा अप्लाई, ठीक है। तो जैसे एंटर प्रेस करूंगा, जहां जहां अप्लाई होगा ना, नेविगेशन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक था, अप्लाई किया हमने, यहाँ देखिए अप्लाई आपका हाईलाइट हो गया, अप्लाई हाईलाइट हो गया ना, और यहाँ दिखा रहा है टू रिजल्ट, तो कहाँ है, यहाँ है, इस पैराग्राफ में है, इस पैराग्राफ, ठीक है। अब अप्लाई के रिफाइन के बाद आता है रिप्लेस, मतलब आप इसको किसी और वर्ड से चेंज करना है तो और वर्ड से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको हमेशा कैप्स लिखना चाहता हूँ, तो अप्लाई हमने कर दिया कैप्स, तो रिप्लेस करोगे तो एक एक करके रिप्लेस करोगे, जैसे पांच मिला ना, तो एक बार क्लिक करोगे तो एक करेगा, दूसरा बार क्लिक करोगे दूसरा करेगा, इस तरह से करेगा, लेकिन रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे यस पूरा रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो रिप्लेस इसके इस्तेमाल, तो होम मेनू बार मैंने खत्म कर दिया है, इसमें कुछ पार्ट है जैसे कि नंबर्स एंड बुलेट्स, ये हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे। फिलहाल आप इतना भी प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे चली जाएगी और वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ढूंढना ना पड़ेगा, ओके। कल मिलते हैं क्लास में।